यूफोरियल यूथ सोसाइटी की तरफ से ब्लड डोनेशन और अवेयरनेस कैंप का आयोजन एनहा ब्लड बैंक सिविल लाइन में किया गया, जिसमें संस्था के लोगों ने ब्लड डोनेट किया। मुख्य अतिथि बादल चटर्जी, पूर्व कमिश्नर, शामिल थे। ब्लड कैंप में बड़ी बात रही बॉम्बे से आई बॉम्बे ब्लड ग्रुप की मेंबर मिनहाज सुगरा ने ब्लड डोनेट किया। संस्था के मीडिया प्रभारी गुफरान खान को सम्मानित किया गया। साथ साथ जितने भी लोगों ने ब्लड डोनेट किया उनको बादल चटर्जी ने प्रशंसा पत्र देकर हौसला बढ़ाया। मीडिया प्रभारी गुफरान खान ने बताया, आज कुछ रक्तदाता आए जिसमें कुछ लोगों का हीमोग्लोबिन कम होने के वजह से ब्लड डोनेट नहीं कर पाए, जबकि 20 से 25 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। ऐसे तो काफी सोशल काम हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हमने देखा, क्योंकि उसकी कवरेज मैं करता हूं, एक यूफोरियल, दूसरी पीआरएसएस, जब लोगों को ब्लड की जरूरत होती है तब उनको ये एहसास होता है कि ब्लड देना कितना ज़रूरी होता है, और उस वक्त क्योंकि हम लोगों की कवरेज रहती है और ये लोग जिस तरीके से काम करते हैं, एक एक लोगों को इकट्ठा करना और ब्लड डोनेट कराना और उनको समझाना कि ब्लड देने से आपको भी फ़ायदा है, नुकसान कहीं नहीं है, तो इस चीज़ को जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, इन लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और मैं ये गवर्नमेंट के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप इन लोगों को काफ़ी आगे ले जाएं और हमेशा इनके सपोर्ट में रहें, क्योंकि इनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ये लोग जिंदगियां बचाने का काम कर रहे हैं, और जब तक बड़ों का सपोर्ट नहीं रहता है तो बच्चे कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आते हैं। आज दिवेश जी के दादाजी, जो हम सब के दादाजी हैं, और सर बैठे हुए हैं, अस्करी भाई बैठे हुए हैं, मिनाज अपी बैठी हुई है, मेजी भाई बैठे हुए हैं, और तमाम लोग बैठे हुए हैं जो सीनियर हैं, और इनकी छाया में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमेशा मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अपना हाथ हम लोगों के सर पे रखे रहिए, जिससे हम लोग काम करें और देश का और अपने शहर प्रयागराज का नाम रोशन करें। शुक्रिया।